तो यह दोस्तों बाहर वाली साइड थी रोशनदान, इनू अगर मैं बंद करना चाहवा तो वो एक दोस्त सी शबाज गुल साहब जर्मन थी, और भी काफ़ी दोस्तों ने पूछा ये बहुत अच्छी लाइट है, वाटर प्रूफ भी है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं बाबर अमरा ते तुसी वेख रहे हो यूट्यूब चैनल दोस्ताना पिजन अमरा। तो दोस्तों वीडियो ते इस टॉपिक ते मैं पहला भी बना चुके हैं, शायद वो वीडियो दोस्तों ने ना देखी होवे क्योंकि ज़्यादातर दोस्त फिर फरमाइश कर रहे हैं कि वीडियो बनाओ जिदे विच मुकम्मल तफसील दसो के खुडे केड़े केड़े ने और जाल किन्ने किन्ने ने, लाइटां जड़ियां ने वो तुहाडे कोले केड़ियां ने। ते मैं दोस्तों मुकम्मल तफसील दे नाल ये अज दसना चाहना ताकि दोस्तों का बार बार पूछना बार बार सवाल करना इस बारे विच ख़त्म हो जाए। ते दोस्तों शुरू करने आ, ए जड़ा कमरा है वड्डा इस साइज़ दे साढ़े कोले दो कमरे ने। इस कमरे की जड़ी चौड़ाई है वो 6 फुट, लंबाई जड़ी है वो 7.5 फुट, ते दो दो शेल्फां इहदे विच असीं रखियां ने क्योंकि साइड वाले ने वड्डे ने कमरे, इन्हां विच थोड़ा तादाद ज़्यादा कबूतरां दी रह सकती है। उस ही हिसाब नाल कमरे दे हिसाब नाल ही दे विच डबल फट्टी लाई है कबूतरां दे बहन वास्ते। जाल विच जाल अगे दी तरफ 7 फुट है, उपर उच्चा 7.5 फुट है, और इहदे उत्ते जिहड़ा जाल है वो सेम थले जिस तरह कमरा बने है उदे उत्ते ही मुकम्मल आंदा है 7.5 फुट। ते ओ पिछू लैके एथों तक 11.5 फुट बनता है। सेम ए हिसाब दूसरी साइड वाले वड्डे कमरे का भी है, सेम बिल्कुल। ए जड़े कमरे ने ए एथों जिथों मैं खलो के बना रहा इतों पिछा तेते जाहिर 6 फुट उस कमरे के बराबर है, लेकिन इसकी चौड़ाई 5.5 फुट रखी गई है। एक कमरा नॉर्मल हिसाब विच तैयार कबूतरां नू यूजेज विच आवेगा, जिन्हां नू के तैयारी करानी है फुल मतलब फिरता फड़कां दे विच उड़ाना आवे ते उस वास्ते। ए दोस्तों इहदे दरवाजे ने, इन्हां दी 6 फुट ऊंचाई बल्कि 6.25। ये सेंटर वाले 3 जड़े कमरे बनाए गए ने, इन्हां विच 6 फुट का पिंजरा और दो दो फटियां ने, यानी कि एक साइड ते एक स्टेप बहन दा, दूसरी साइड ते दूसरा है इक्को ही स्टेप। साइड वालिया कमरिया विच डबल डबल रखे सी। ते ऐ दोस्तों रोशनदान रखे गए ने, एक साइड ते जाली लवा के खुल दे, ए दूसरी साइड ते ने बाहरों ताकि पानी शानी भी ना आवे, इन्हें जरूरत आवे तो बंद कर लो खोल लो, ये उस तरह करके बनाए भी गए ने। यह बिल्कुल सेंटर वाला जिहड़ा कमरा है, ये हली कबूतर नहीं आते, ये असी अपना समान दाना पानी ट्रे यानी कबूतरां दी संभाल का समान रखे। यह साढ़े अलार्म सिस्टम हिसाब है, बिजली चली भी जाए तो अलार्म कॉल कर देंदा। तो यह दोस्तों बाहर वाली साइड थी
रोशनदान इनू अगर मैं बंद करना चाहवा तो वो उस टेक नू हटा के मुकम्मल बंद किया जा सकता है। जिस तरह के यह बंद छोटा जहा शेड जिदे उत्ते जंगला बने हैं पिछे फिरन वास्ते, यानी बंदा आसानी नाल फिर के सिर्फ अगे जा सकता। साइडां ते रोशनी वास्ते यह ग्लोब जे बनाए ने खुद ही, वो लाए ने पिछे भी लगे ने। हाँ जी, याद आया तो कुछ दोस्त लाइटां दे बारे पूछ रहे से। यह लाइट जिहड़ी मेन लाइट, दूसरियां भी असी इस तरह दियां लिया के लाना चाहते हैं। बहुत अच्छी लाइट है, 5000 दी मिली है इत्थों ही पाकिस्तान विचों ही। तो यह कंपनी मैं क्लोजअप करके दिखा देना। एक दोस्त सी शबाज गुल साहब जर्मन से, होर भी काफ़ी दोस्तों ने पूछा ये बहुत अच्छी लाइट है, वाटरप्रूफ भी है। यह जी असी 4000 की लैके आए हैं, ये पानी वगैरह पै जाता है, ये असी आप भी चेंज कर लेनी है। ते दोस्तों यह जी छोटी लाइट पिंजरे दे उत्ते लगी है, ये भी असी 3 होर लानिया ने जिहड़िया पिंजरिया उत्ते, ये पिंजरिया वास्ते बहुत अच्छी रहेगी। नज़र आ रही होनी 50 वाट की है, बड़ी खूबसूरत जी है, मजबूत है, वाटर प्रूफ है। बाकी नॉर्मल छत के उत्ते रोशनी देने वास्ते यह लाइटा ने जड़ियाँ कबूतर के खुडियां के उत्ते लाइट पैंदी है, जिन्हों की खुडियां के उत्ते भी यह डिजाइनिंग थोड़ी बहुत की गई है। फायदा नुकसान तो अगू जा के वक्त दे नाल पता लगेगा, लेकिन खूबसूरती थोड़ी है ही है। तो जेडे मेन छत के उत्ते गोलदारे ने वो ऐ ने, तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल विच मैं मुकम्मल डिटेल तुहानू दस दित्ती है कि जाल किन्ने ने, खुडे किन्ने ने, लाइटां किस तरह दियां ने, रोशनदान किस तरह लाए ने, केड़े ने। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल जेड़े दोस्त ने सबसक्राइब नहीं कीता सबसक्राइब कर लो। खुदा हाफिज़।